मानव के रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर हमने पिछले लेक्चर में रक्त की संरचना के बारे में पढ़ा था कि रक्त का निर्माण किन-किन भागों से होता है। उसमें हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं दो प्रमुख भाग रक्त के होते हैं। सेकंड, प्लाज्मा तरल भाग है और ब्लड में जो कणिकाएं पाई जा रही है जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, वो कणिकीय भाग है। और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को आपस में मिलाकर रुधिर कणिकाएं कहते हैं। तो ये दोनों संरचनाएं आपस में मिलकर रक्त का निर्माण करती है। इस लेक्चर में हम रक्त के कार्यों के बारे में स्टडी करेंगे कि रक्त के द्वारा कौन-कौन से कार्य संपन्न किए जाते हैं। और इसमें सबसे पहला कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। श्वसन तंत्र के अंदर हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं कि रक्त के द्वारा किस प्रकार से ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है। ऑक्सीजन के परिवहन के अंदर क्या होता है, रक्त में पाई जाने वाली जो हीमोग्लोबिन है, रक्त की आरबीसी जो होती है, लाल रक्त कणिका है, उनके अंदर हीमोग्लोबिन मिलेगा अणु, और फेफड़ों में जो ऑक्सीजन पाई जा रही है, ये दोनों आपस में जुड़ जाती है और आपस में जुड़कर अस्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन रक्त के माध्यम से ऊतकों में, कोशिकाओं में जाता है और वहां यह वापस ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के अंदर टूट जाता है। तो इस प्रकार रक्त के द्वारा फेफड़ों से ऑक्सीजन को ऊतकों तक या कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है या ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है। सेकेंड कार्य है CO2 का परिवहन। अब उपापचयी क्रियाएं जब कोशिका के अंदर होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। उस कार्बन डाइऑक्साइड को ऊतक या कोशिकाओं से CO2 को रक्त फेफड़ों में लेकर आता है। विभिन्न प्रकार के उसमें तरीके होते हैं। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में लाता है, बाइकार्बोनेट आयन के रूप में लाता है, जो हम श्वसन तंत्र वाले चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। तो CO2 के परिवहन के अंदर भी ये सहायता करता है। ऊतक में जो CO2 बनेगी रक्त के अंदर आएगी और रक्त के द्वारा इसे फेफड़ों में ले जाया जाता है, फेफड़े के द्वारा इसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। थर्ड है खाद्य पदार्थों का वितरण। इसके बारे में हम पाचन तंत्र में पढ़ चुके हैं। आहार नाल के अंदर जो भी पदार्थों का अवशोषण हो रहा है, आमाशय में, छोटी आंत में, मुख गुहा में, उस अवशोषित या पचित भोजन को रक्त में डाला जाता है और रक्त के द्वारा उस पचित भोजन या अवशोषित भोजन को शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं में उसे पहुंचा दिया जाता है। इसके बारे में हम डिटेल में पाचन तंत्र के अंदर पढ़ चुके हैं। आहार नाल में जैसे छोटी आंत का यदि हम एग्जाम्पल लें, छोटी आंत के अंदर जो अवशोषित भोजन है रक्त केशिकाओं के अंदर आएगा, रक्त केशिकाओं के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं में पहुंचा दिया जाएगा। तो इस प्रकार यह खाद्य पदार्थों के वितरण में सहायक है। चौथा, शरीर के तापमान का नियमन। अब बॉडी के टेम्परेचर का कंट्रोल कैसे करेगा रक्त? पहला तरीका तो इसका यह है, रक्त के अंदर ग्लूकोज पाया जा रहा है जो ग्लूकोज एनर्जी प्रदान करता है और बॉडी का टेम्परेचर कम होने पर उस ग्लूकोज के द्वारा ऊर्जा प्रदान की जाएगी जो हमारी त्वचा के नीचे उपस्थित रक्त के माध्यम से शरीर को प्राप्त होती है और शरीर का तापमान कंट्रोल होता है। सेकेंड तरीका, जब हमारे शरीर का तापमान अधिक हो जाता है तो रक्त की जो केशिकाएं हैं उनके आकार में परिवर्तन होगा। पहले इस तरह की फैली हुई केशिका है तो ज्यादा मात्रा में रक्त त्वचा तक पहुंच रहा है। जब शरीर का तापमान ज्यादा हो जाएगा तो ये केशिका का आकार सिकुड़ जाता है जिससे कम मात्रा में रक्त त्वचा तक पहुंच पाता है, ऊर्जा नहीं मिलेगी त्वचा को जिससे टेम्परेचर बॉडी का कंट्रोल हो जाता है। इसी का जस्ट अपोजिट, जब शरीर का तापमान कम होता है तो केशिका इस तरह की आकृति है सामान्य, ये अपने आकार को और ज्यादा बढ़ा लेती है जिससे ज्यादा मात्रा में रक्त को त्वचा तक पहुंचाया जाता है और शरीर के तापमान को ऊर्जा के द्वारा कंट्रोल किया जाता है।
तो इस तरह से रक्त केशिकाओं के आकार में परिवर्तन करके या केशिकाओं में ज्यादा या कम मात्रा में बहकर शरीर के तापमान को कंट्रोल करने का कार्य करता है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ग रक्त के द्वारा किया जाता है हार्मोनों का संवहन। अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में हम सभी जानते हैं, इनमें अपने स्रवण को लक्ष्य अंग तक पहुंचाने के लिए नलिकाएं नहीं होती है, इसलिए अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन को रक्त में डाल देती है और इन हार्मोनों को रक्त के द्वारा लक्ष्य अंग तक पहुंचाया जाता है। जिस हार्मोन की जिस लक्ष्य अंग में जरूरत है वहां तक पहुंचाने का कार्य रक्त के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, रोगों से बचाव। WBC के कार्यों में हमने पढ़ा था कि ये जीवाणुओं को मारने का कार्य करती है, जैसे लसीकाणु है, बी लिम्फोसाइट पड़े हैं, टी लिम्फोसाइट पड़े हैं, मैक्रोफेज पड़े हैं, माइक्रोफेज हमने पढ़े हैं। तो ये सारी WBC जीवाणुओं को, वायरस को, कवक को, जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, उनको नष्ट करने का कार्य करती है और रोगों से बचाव करती है। सेकंड, रक्त के अंदर कुछ एंटीबॉडीज पाई जाती है जो एंटीजन को नष्ट करके शरीर की रोगों से सुरक्षा करती है। और एंटीजन क्या होते हैं? जीवाणु, बैक्टीरिया, जीवाणु या बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, एल्गी, ये सारे एंटीजन है। बाहर से जो भी कण हमारे शरीर के अंदर आएंगे वो एंटीजन है और इन एंटीजन को एंटीबॉडी नष्ट करने का कार्य करती है और ये एंटीबॉडी रक्त के अंदर पाई जाती है। तो इन दोनों तरीकों से रक्त हमारी रोगों से बचाव करने में सहायता करता है। नेक्स्ट, चोट की मरम्मत। जब हमारे शरीर में चोट लग जाती है तो ल्यूकोसाइट, एक प्रकार की WBC, उस स्थान पर कोशिकाओं के विभाजन को तेज कर देती है। यानी जिस जगह पर चोट लगी है वहां कोशिकाओं का विभाजन तेज किया जाएगा ल्यूकोसाइट WBC के द्वारा, जिससे वो चोट या जख्म जल्दी से भर सके। सेकंड, रक्त चोट की मरम्मत में रक्त का थक्का भी सहायक होता है। हमें पता है जब हमारे चोट लगती है कुछ समय बाद रक्त ऑटोमेटिक रक्त का क्लॉट बन जाता है, जिससे ज्यादा मात्रा में रक्त शरीर से बाहर नहीं निकल पाए। और क्लॉट या थक्का जो बनता है उसके कारण जो घाव है या चोट है वो जल्दी सही हो जाती है, ज्यादा मात्रा में ब्लड का लॉस नहीं होगा, एक एनवलप या आवरण बन जाता है चोट के चारों तरफ क्लॉट का या थक्के का, जिससे घाव को जल्दी सही होने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट कार्य, रक्त का उत्सर्जी पदार्थों का संवहन। उपापचयी क्रियाओं से जो भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, तो इन पदार्थों को रक्त के द्वारा ब्रक या किडनी में लाया जाता है और ब्रक के द्वारा इन उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो इस तरह से रक्त उत्सर्जी पदार्थों के संवहन में या उत्सर्जन की क्रिया में सहायता करता है। नेक्स्ट कार्य है रक्त का जल संतुलन। अब वाटर का संतुलन कैसे करेगा? कोशिकाओं के अंदर या दैहिक तरल में या दे शरीर में जो भी अतिरिक्त जल है, कोशिका में, ऊतक में जो भी अतिरिक्त जल है, उस से रक्त के द्वारा किडनी में लाया जाता है। रक्त के द्वारा इन उत्सर्जी पदार्थों को किडनी या ब्रक के अंदर लाया जाएगा और ब्रक के द्वारा इसे इन उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। नेक्स्ट, जल संतुलन का कार्य, शरीर की कोशिकाओं के अंदर जो भी अतिरिक्त दैहिक जल है उसे रक्त किडनी के अंदर लेकर आता है और किडनी के माध्यम से इस अतिरिक्त जल को मूत्र के रूप में शरीर के बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। इसके अलावा जल की उचित मात्रा को रक्त के द्वारा ही कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। कोशिकाओं को जो जल की आवश्यकता होगी तो उस जल का परिवहन भी रक्त के द्वारा ही किया जाता है, रक्त के द्वारा उसे कोशिकाओं के अंदर पहुंचाया जाता है। लास्ट इसका वर्ग है एक रोग का निदान। तो रक्त के अंदर उपस्थित विभिन्न प्रकार के अवयवों के द्वारा या केमिकल्स के परीक्षण के द्वारा जो भी अवयव ब्लड के अंदर पाए जा रहे हैं, जैसे ग्लूकोज ज्यादा मात्रा में पाया जा रहा है तो उसका टेस्ट करके डायबिटीज का हम जांच करते हैं, पता चलाते हैं।
तो विभिन्न अवयव और रसायन जो रक्त के अंदर पाए जा रहे हैं उनके परीक्षण के द्वारा विभिन्न प्रकार के रोगों की निदान या जांच की जाती है। जो भी अवयव है उनके आधार पर, रक्त में जो अवयव या रसायन मिल रहे हैं उनके आधार पर विभिन्न प्रकार के रोगों का पता लगाया जाता है। तो रक्त के अंदर उपस्थित विभिन्न अवयव रसायन के परीक्षण के द्वारा विभिन्न रोगों के निदान में रक्त सहायक होता है। तो ये सारे वर्ग जो है हमारे शरीर के अंदर रक्त के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो रक्त के बारे में था कि रक्त किस प्रकार से हमारे शरीर में विभिन्न कार्यों को करने में सहायता करता है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके इसके नोट्स बना सकते हैं।